शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंगना रोड लोकमान्य नगर के एटीएम के बाहर रात 11:30 के करीब एक व्यक्ति खून से लथपथ रोड पर गिरा हुआ था। एमआईडीसी पुलिस ने तुरंत लता मंगेशकर हॉस्पिटल पहुंचाया, वहां थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति की मौत हो गई। हिंगना रोड एमआईडीसी के लोकमान्य नगर इलाके में एक बैंक के एटीएम सेंटर में एक अंदाजन 35 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 11:30 बजे के करीब एमआईडीसी पुलिस रात के गश्त पर थी। आईसी चौक के पास बैंक के एटीएम के सामने रोड पर एक घायल खून से लथपथ व्यक्ति पड़ा हुआ था। पुलिस द्वारा उपचार हेतु उसे नजदीकी लता मंगेशकर हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर पिटाई के निशान नहीं पाए गए, साथ ही शरीर पर किसी भी तरह का निशान नहीं था। उसकी बाह में नस से खून बह रहा था। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि उसकी नस किसने और क्यों काटी, ये पता नहीं चल पाया वो व्यक्ति शराब के नशे में, साथ ही यह भी पता नहीं चल पाया वो व्यक्ति शराब के नशा किया हुआ था, शराबी एटीएम सेंटर में क्या करने गया था। उसके पास न तो एटीएम कार्ड था न तो पैसे के पॉकेट। जानकार द्वारा ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है, नशे में एटीएम के अंदर तो गया लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि नशे के कारण एटीएम से बाहर निकलने के लिए दरवाजा कैसे खोला जाए, और हो सकता है कि उसने अपने हाथ से एटीएम की कांच की दीवार तोड़ दी हो। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। एटीएम केंद्र में सीसीटीवी बंद होने के कारण पुलिस अब एटीएम के अंदर इनबिल्ट सीसीटीवी की जांच करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बताया गया कि रात में उस एटीएम के पास और 3 व्यक्तियों को भी देखा गया था। वे 3 लोग कौन है पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। मृतक के पास कोई भी आईडी नहीं मिलने से कौन है, कहां का रहने वाला है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। परिसर में नागरिक डरे हुए हैं। यह हत्या या दुर्घटना अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस की ओर से विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी विवेक मसल के नेतृत्व में एमआईडीसी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हेमंत कुमार खराबे जांच कर रहे हैं। आम्ही स्वतः रात्री क्रॅकडाऊन मोहिम अंतर्गत आरोपी चेक करण्याकरता निघालेलो होतो। रस्त्यावर लोकमान्य नगरच्या जवळ एक इसम पडलेला दिसला। अपघात समजून आम्ही त्याच्या जवळ गेलो, परंतु तो अपघात काही वाटला नाही। त्याला इंजुरी होती उजव्या हाताला आणि डाव्या हाताला पण। त्याला इमिजिएट आम्ही हॉस्पिटललाइज केलं। लता मंगेशकरमध्ये डॉक्टरांनी इलाज केला, परंतु तो काही बरोबर रिस्पॉन्स देत नव्हता। उलट त्याची सलाईन वगैरे त्याने काढून टाकली। डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार तो खूप जास्त दारू प्यायलेला होता। त्याला मेडिकलमध्ये आम्ही पाठवलं, परंतु मेडिकलमध्ये तो ब्रॉड डेट घोषित करण्यात आला। आता इथं जेव्हा आम्ही घटनास्थळ पाहिलं, जे एटीएम ते जिथपर्यंत तो रक्त सांडलेला होता, तर त्या ठिकाणी जो दार होता, नॉर्मल जे लोक जाता येतात तो दार व्यवस्थित होता, परंतु त्याच्या बाजूचा जो दार काचाचा होता ते पूर्ण काच फुटलेलं होतं। आणि यावरून असं वाटतं की हा जो इसम आहे आणि ते रक्त पण होतं, तर हा इसम कदाचित दारूच्या नशेमध्ये त्यांना तो ग्लास फोडला असावा। ग्लास फोडण्याचं काही कारण नाही तसं, पण ग्लास फोडला असावा आणि बाहेर निघाला तेव्हा त्याच्या काचाची वगैरे त्याला इंजुरी होऊ शकते मे बी, आणि त्यामुळे तिथं रक्तस्राव वगैरे झालेला आहे। ह्या घटनेच्या साधारणतः 1/2 तास पूर्वी आम्हाला एक आज विटनेसनं सांगितलं की हा इसम रोडच्या डिव्हायडरच्या जवळ मध्यभागी असा पडलेला होता। तेव्हा त्याने त्याला उचललं की बा हा अपघातानं मरून जाईल, म्हणून त्यानं उचललं कसं तरी आणि त्याला तिकडे फुटपाथवर ठेवलं आणि त्यानंतरही 1/2 तासानंही अशी घटना घडलेली। तेव्हा जखमी नव्हता तो, त्यावेळी जखमी नव्हता, हा पण दारूच्या नशेत होता, पडलेला होता आणि जवळच देशी दारूचं दुकान आहे तिथं। मे बी असं होऊ शकते। आता आम्ही अजून कोणता अंदाज लावू शकत नाही, कारण की हा तिथे गेला कशाला हे समजत नाही, कारण की त्याच्याजवळ एटीएम कार्ड नाही मिळाला, पॉकेट पण नाही मिळालं, मोबाईल पण नाही मिळाला। मग हा गेला कशाला तिथं त्या ठिकाणी, म्हणजे अगोदर तो मिळाला 1/2 तासापूर्वी मस्त मद्यधुंद अवस्थेमध्ये होता आणि नंतर तो एटीएममध्ये गेला। एटीएम जो दारामधून त्यानं प्रवेश केला असावा निश्चितच, पण तो बाहेर दारामधून आला नाही आणि त्यानं पूर्ण काच फोडून तो बाहेर आला। मग त्याला ते कळलं नसावं की कुठून निघावं। हां, सीसीटीव्ही तिथं बाहेर सीसीटीव्ही नाही आहे, पण इनबिल्ट जो सीसीटीव्ही असतो जो मशीनमधला, त्याकरता आम्ही त्यांच्या एक्सपर्टला बोलावलेला आहे, तर ते येऊन ते तो पाहिल्यानंतर पूर्ण त्याचा खुलासा होईल। मग एनबीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।